हम डिस्कस करने जा रहे हैं थर्मोडायनामिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोडायनामिक्स, व्हाट वी विल रीड इन दिस चैप्टर वन बाय वन डिस्कशंस, फर्स्ट इंट्रोडक्शंस, इंट्रोडक्शंस, सेकंड क्लासिफिकेशंस ऑफ प्रॉपर्टीज, राइट डाउन फर्स्ट साइमल्टेनियस क्लासिफिकेशंस ऑफ प्रॉपर्टीज, ऑफ थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टी, इन सेंस ऑफ फर्स्ट इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एंड सेकेंड क्लासिफिकेशन इज बेसिस ऑन स्टेट एंड पाथ फंक्शंस, स्टेट एंड पाथ फंक्शंस। That is the basic classifications of thermodynamics properties or functions. Now, after that, we will read third topic. In which first topic is work, heat, एनर्जीज एक्सेस्ट्रा। इसके अलावा हम जो डिस्कस करेंगे यहां पर, नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी। सीएम, सीपी, सीवी, ये सारे टॉपिक्स हमारे रहेंगे। फिर हमारा पॉइंट रहेगा स्टेट एंड पाथ फंक्शंस, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, नेक्स्ट कंसेप्ट्स ऑफ एंट्रोपी। लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करेंगे यहां पर कार्नोट साइकिल, कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल, एंट्रोपी कॉन्सेप्ट्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, आफ्टर दैट फाइनल हमारा रहेगा यहां पर गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी कॉन्सेप्ट। एंड इसी के अंदर हम लिखेंगे सिक्वेंस रिएक्शंस, स्पॉन्टेनिटी कॉन्सेप्ट फॉर सिक्वेंस रिएक्शंस, फॉर नॉर्मल and sequence reactions. फिर हम इस चैप्टर को बाय बाय कहेंगे और थर्मोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। हाँ बेटा, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी हम यहां डिस्कस करेंगे। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो बेसिक से बहुत सारे पॉइंट्स हमारे साथ आ रहे हैं और हमारे लिए सारे ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है।
सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शंस। शुरू करते हैं इंट्रोडक्शंस। थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक मींस थर्म प्लस डायनामिक। थर्म मींस हीट और डायनामिक मींस मूवमेंट। द मूवमेंट ऑफ हीट इज कॉल्ड थर्मोडायनामिक्स। रिमेंबर दैट, सिंपल सा पॉइंट है, प्रोडक्शन ऑफ हीट इज कंसेप्ट ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री। अगेन आई रिपीट, प्रोडक्शन ऑफ हीट थर्मोकेमिस्ट्री, हाउ मच अमाउंट हीट विल जनरेट इन डिफरेंट रिएक्शंस, दैट द पार्ट ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री। बट आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ हीट, हाउ कैन द गिवन हीट कन्वर्ट इन वर्क, हाउ मच अमाउंट ऑफ हीट कन्वर्ट इन वर्क, हाउ मच अमाउंट ऑफ हीट कन्वर्ट इन अदर प्रॉपर्टीज, ये सारा पॉइंट हम डिस्कस करते हैं इन दिस टॉपिक थर्मोडायनामिक्स। यानी उस हीट को कैसे मूव कराना है। ऑब्वियसली एनर्जी इज कंजर्वेशन क्वांटिटी, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इन हीट, आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ हीट कन्वर्जन इन वर्क एंड एफिशिएंसी ऑफ साइकिल, ये सब हमारा डिस्कशन होगा थर्मोडायनामिक्स में। यानी हम पूरी केमिस्ट्री थर्मोडायनामिक्स को जो पढ़ रहे हैं वो सिर्फ मूवमेंट ऑफ हीट को पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड देखेंगे। और एक और खास बात है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि यहां जो हम सब्सटेंस लेते हैं वो बाय डिफॉल्ट हीलियम गैस रखते हैं। सब्सटेंस चेंज, हमारे को और ज्यादा डेप्थ में जाना होता है, ठीक है। तो हमने बाय डिफॉल्ट क्या रख लिया, गैस। गैस भी कौन सी, आइडियल। आइडियल गैस कौन सी, हीलियम। तो स्टार्टिंग में हम बात कर रहे हैं और एक डेफिनेशन के रूप में लिख लेते हैं, लिखिए थर्मोडायनामिक्स। इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट, इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट मूवमेंट ऑफ हीट और कन्वर्जन ऑफ हीट, मूवमेंट ऑफ हीट और कन्वर्जन ऑफ हीट इंटू अनादर फॉर्म ऑफ एनर्जी, इंटू अनादर फॉर्म ऑफ एनर्जी। यानी हमारे पास कोई भी एनर्जी है हीट, उसका कितना पार्ट इंटरनल एनर्जी में चेंज हुआ, कितना वर्क में कन्वर्ट हुआ, ये सब हम यहाँ डिस्कशंस करेंगे। तो कितना इंटरनल एनर्जी में चेंज हुआ है और कितना वर्क में, वो सारा पार्ट हमारे लिए इसके अंदर आ रहा है, ठीक है। लेकिन इससे पहले मैं आगे आपको कुछ डिस्कस करूं, मेरी इच्छा है एक बार मैं आपको कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज का इंट्रोडक्शन दे देता हूं, ठीक है ना, कि आप फिजिकल प्रॉपर्टीज को क्या बारे में कितना जानते हैं वो सब क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज में ले रहे हैं प्रेशर। प्रेशर आप अच्छे से जानते हैं, पी फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, ठीक है। इसकी कौन सी यूनिट्स होती हैं, एमकेएस। एमकेएस यूनिट होती है इसकी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसे आप क्या बोलते हैं, पास्कल, ठीक है। ये तो रहा इसका एमकेएस। सीजीएस कैसा रहेगा आपका, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन इसकी कोई कॉमन नेमिंग नहीं है। थर्ड अदर यूनिट जो एमकेएस नहीं है और सीजीएस भी नहीं है, उसे हम क्या नाम देंगे, चैप्टर यूनिट, चैप्टर यूनिट्स। चैप्टर यूनिट्स हमारी कौन कौन सी रहेंगी, जैसे एटीएम, बार, एमएम ऑफ एचजी, जिसे आप टॉर भी बोलते हो, ये सब हमारे पास रहेंगे। तो सबसे बड़ी यूनिट है हमारे लिए 1 एटीएम, 1.01325 × 10^5 पास्कल। 1 bar की वैल्यू होती है 1 bar 10^5 पास्कल। तो इसका मतलब 1 atm
इज इक्वल टू 1.01 बार है। वन एटीएम इक्वल टू 760 टॉर है या 760 एमएम ऑफ एचजी, लिखें इसको। कुल मिला के अगर हम एक लाइन में लिखना चाहें तो विच इज बिगेस्ट वैल्यू, 1 एटीएम देन 1 बार देन 1 टॉर लॉक 1 टॉर या 1 टॉर और 1 mm ऑफ एचजी देन फास्कल। आपको लग रहा है डाइन 1 न्यूटन इक्वल टू हाउ मेनी डाइन्स या डिवाइडेड बाय मीटर को भी कन्वर्ट करोगे तो कन्वर्ट कर लेना वो और छोटा है। तो ये हमारे लिए फर्स्ट पॉइंट रहा, 1 एटीएम इज बिगेस्ट वैल्यू देन 1 बार देन 1 टॉर देन 1 फास्कल, दैट द यूनिट ऑफ प्रेशर। गौरव क्लियर? तो यूनिट्स के बारे में अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको आइडिया होना चाहिए कि एटीएम इज नॉट ए एमकेएस नॉट ए सीजीएस यूनिट, इट इज द चैप्टर यूनिट। चैप्टर यूनिट मंस जो ना तो एमकेएस है ना सीजीएस है, आर कॉल्ड चैप्टर यूनिट्स। तो हमें, हम क्यों बोल रहे हैं चैप्टर, ये मेरा वर्ड है चैप्टर, जो उस चैप्टर में काम आ रही है मेरे लिए। हो सकता है कोई और चैप्टर में कोई और यूनिट काम आए, बट इन दिस चैप्टर आई विल जनरली आई विल यूज 1 एटीएम। नेक्स्ट वॉल्यूम, वॉल्यूम इट इज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड वॉल्यूम। स्पेस ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स, यूनिट्स क्या होंगी इसकी, बहुत सारी है। यूनिट्स में एमकेएस हमारे पास कौन सा होगा, बिल्कुल सही, मीटर क्यूब, सीजीएस सेंटीमीटर क्यूब, सही है। और मैं अब आपके साथ हूं, ध्यान से सुनिएगा, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml। आप खुद ही सोच लीजिए, 1 मीटर ऑक्यूपाइड 1000 लीटर, यस, एक पूरा बड़ा टैंक हो जाएगा, यू नो, 1 ml, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, इज वेरी स्मॉल वॉल्यूम एंड नियर अबाउट ऑक्यूपाइड 1 ml, 1 डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर, डेसीमीटर 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड अप्रोक्सीमेट दिस। तो ऑल दिस वैल्यूज यू हैव टू लर्न, ओके, नॉट ए प्रॉब्लम। वॉल्यूम, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, टेम्परेचर इज द पैरामीटर विच शो द डायरेक्शन ऑफ हीट। हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का डेफिनेशन क्या रहेगा, इट इज द पैरामीटर by which we can show the direction of flow of heat, ठीक है, that is the temperature। इसके लिए MKS, CGS सभी एक ही यूनिट है और वो है केल्विन, वो है केल्विन, सही है। तो remember that अगर आपको कभी भी temperature निकालना है केल्विन में, तो डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, यस। अगर आपके पास डेल्टा टी के है तो डेल्टा टी डिग्री सेंटीग्रेड प्लस और माइनस कुछ नहीं, रिमेंबर दैट डेल्टा टी मींस T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, दैट फैक्टर क्लोज टू अनदर फैक्टर,
another value. So finally what you get, delta K equal to delta T in centigrade. Means agar mujhse discuss kiya jaye, what the difference of temperature of boiling and melting point of water, 100, it may be Kelvin or maybe degree centigrade, because that is the difference, not a value of temperature. Difference of temperature you can use Kelvin, you can use degree centigrade, or you can say only degree temperature. Samajh mein aa raha hai? Is that clear? To ye hamare paas ek bahut acha point hai ki jab bhi aapke paas koi bhi formula hai, future mein bahut sare aayenge, jaise PV equal to nRT, TA aur delta TA, TA to T yahan par kis mein hona chahiye? T should be in degree centigrade, sorry, in Kelvin. लेकिन अगर कोई ऐसा फॉर्मूला जैसे हीट इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, इन दिस केस डेल्टा टी आप कैलविन में रखो, सेंटीग्रेड में रखो, कोई दिक्कत नहीं है. समझ में आ गया? तो कोई दिक्कत नहीं है. बहुत जगह हो जाएगा जहां एन सी वी डेल्टा टी लिखेंगे. अब आप डेल्टा टी किस में रखना चाहते हैं, किसी में भी रखें, नॉट ए प्रॉब्लम. तो ये हमारे पास छोटे छोटे से पॉइंट है जो आपके दिमाग में रहने चाहिए. नेक्स्ट पैरामीटर है हमारे लिए एनर्जी, एमकेएस यूनिट जूल, सीजीएस कैलोरी, एमकेएस सीजीएस इसके अलावा भी बहुत हमारे पास. सीजीएस हमारे लिए कैलोरी नहीं है, अर्ग. और हमें यह मालूम होना चाहिए वन जूल इज इक्वल टू हाउ मेनी अर्ग्स, जल्दी बोलो. एंड वन जूल इज इक्वल टू, इस तरह से बोल सकते हैं, वन जूल की जगह मैं यहां पर बहुत सारे पॉइंट्स ले सकता हूं. और अगर आपने ले लिया, वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10^-19 जूल, यस और नो? वन एटीएम लीटर, वन जीरो 1.3 जूल, सही है. वन बार लीटर 100 जूल, वन कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल. ये सारे रिलेशंस आपको याद होने चाहिए. इसके अलावा वन कूलम वोल्ट मींस वन जूल ही होता है. तो सबसे बड़ा वैल्यू हमारे लिए कौन होगा यहां पर? वन एटीएम लीटर. क्या आपको सही लग रहा है? वन एटीएम लीटर बिगेस्ट वैल्यू है. देन वन बार लीटर, देन वन जूल, देन वन अर्ग, जूल से पहले कैलोरी, देन जूल, देन अर्ग, देन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. बहुत सिंपल सा पॉइंट है, कोई ज्यादा खास दिक्कत नहीं है. यूनिट्स उनके बीच की वैल्यू अगर आपको मालूम है तो आप आगे चैप्टर में कर सकते हैं. फिजिक्स में आपने ये सब कुछ किया होगा, लेकिन मुझे रिवाइज कराना बहुत जरूरी है.
और मैं चाहूंगा कि अगर ये सारे डेरिवेशंस आप अपने से खुद से डेराइव करें, फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं आफ्टर द क्लास। तो ये रहा बेसिक इंट्रोडक्शन थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज का। तो अब हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशंस। क्लासिफिकेशंस ऑफ प्रॉपर्टीज, दो तरह से हम बात करेंगे यहां पर। फर्स्ट इंटेंसिव प्रॉपर्टी, सबसे पहले ध्यान से समझना कि हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो पर्टिकुलर कुछ ही प्रॉपर्टी को हम इस क्लासिफिकेशन में ला सकते हैं। जरूरी नहीं है, दिमाग में रहता है कि हाँ नहीं हर प्रॉपर्टी यहां पर क्लासिफाइड होगी, नहीं। अब जैसे टाइम है, टाइम को हम ना इंटेंसिव बोलेंगे ना एक्सटेंसिव बोलेंगे। तो बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिलेगी जो इंटेंसिव और एक्सटेंसिव नहीं है। कलर इंटेंसिटी दुनिया भर की प्रॉपर्टीज है, बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज भी होंगी, फिजिकल भी होंगी, जो क्लासिफिकेशन में नहीं आ रही है। सेकेंड पॉइंट, हम क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे कर रहे हैं यहाँ पर, इंटेंसिव एक्सटेंसिव, यानी इस तरह से इंडिपेंडेंट क्वांटिटी प्रॉपर्टी एंड डिपेंड्स क्वांटिटी ऑफ प्रॉपर्टीज, समझ में आ रहा है? तो इंटेंसिव से नाम से ही पता चल रहा है, यू नो इंटेंसिव मींस द प्रॉपर्टीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये हमारे लिए हो सकता है द प्रॉपर्टीज विच आर नॉट डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सही है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे नहीं हमारे पास डिपेंड कर रही है। लेकिन एक और पॉइंट, जब मैं क्लासिफिकेशन कर रहा हूं तो मेरे दिमाग में एक होमोजीनियस सिस्टम हमेशा चलेगा। हिटरो पे मैं बात नहीं करूंगा, ये क्लासिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ होमो सिस्टम पे लिए डिफाइन किया है। होमो सिस्टम का मतलब, फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं, समझ रहे हैं? मेरे यहां पर एक, यहां जो डेंसिटी है सपोज 1 ग्राम पर ml है सब्सटेंस की, सही है? वो कोई भी लिक्विड या सॉलिड हो सकता है। तो वो सेम लिक्विड यहां रखना पड़ेगा होमो बनाने के लिए, और वो भी डेंसिटी कितनी हो जाएगी, 1 ग्राम पर ml। अगर मैंने यहां अलग सब्सटेंस, यहां अलग सब्सटेंस दे दिया, तो फिर मैं ये नहीं बता पाऊंगा। तो अब इस दीवार को हटा दिया तो ऑब्वियसली आपके पास एक बड़ा बॉक्स बन जाएगा, और सेम सब्सटेंस की डेंसिटी अब आपके पास क्या आ जाएगी, 1 ग्राम पर ml। यानी आपके पास क्वांटिटी पहले अलग थी, अब अलग है, तब भी डेंसिटी वही रह रही है, ठीक है? ये नहीं कि आपने पानी के अंदर शुगर मिला के डेंसिटी चेक कर रहे हो, नहीं, ये बेवकूफी नहीं करेंगे। हमें एक किसी भी प्रॉपर्टीज को होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस तभी बता पाएंगे, और एक बार डिफाइन हो गई तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, तभी बता पाएंगे जब हमारा सिस्टम होमोजीनियस है, समझ में? डिफाइन करने के बाद हमें कोई दिक्कत नहीं आती, फिर हमने डिफाइन कर दिया कि होमोजीनियस है, फिर कोई भी सिस्टम हो चलेगा। अगर आपने एक बार डिफाइन कर दी डेंसिटी इज होमोजीनियस, सॉरी इंटेंसिव प्रॉपर्टी, तो फिर उसके बाद इंटेंसिव रहेगी, भले फिर आपका सिस्टम होमोजीनियस हो या हिट्रोजीनियस हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? प्रॉपर्टी का नाम एक बार रखा जाएगा। तो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो इस तरह से देखा जा रहा है, उसमें डेंसिटी हमने लिख ही लिया, टेम्परेचर भी हम कर सकते थे, बहुत सारी आएगी हमारे पास, ठीक है ना? प्रेशर भी हम देख सकते हैं। तो मैं एक लिस्ट बनाऊंगा, लेकिन पहले एक बार डेफिनेशन लिखेंगे किसकी, हम एक्सटेंसिव की। तो हेडिंग डलेगा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, तो डेफिनेशन की लैंग्वेज वही है, द प्रॉपर्टीज विच आर, नॉट को हटा दो, विच आर डिपेंड्स ऑन अमाउंट या क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। द प्रॉपर्टीज विच आर डिपेंड्स ऑन अमाउंट
ऑफ सब्सटेंस कॉल्ड एक्सटेंसिव। समझाने के लिए मैंने एक होमोजीनियस सिस्टम लिया, यहां मैंने 1 ग्राम सब्सटेंस रखा, यहां पर भी 1 ग्राम सब्सटेंस रखा, यहां मैंने 1 मोल लिया, यहां मैंने 1 मोल लिया। समझना, समझाने के लिए यहां टेम्परेचर 300 केल्विन लिया, यहां टेम्परेचर 300 केल्विन लिया, ये वॉल्यूम मैंने यहां पर मान लिया 1 लीटर है। अलग अलग कंटेनर भी हो सकते हैं, सिर्फ समझाने के लिए 1 लीटर प्रेशर 1 एटीएम, प्रेशर 1 एटीएम, ठीक है। मान लीजिए केस फर्स्ट था, ये नहीं है, सिर्फ फर्स्ट को हम फॉलो कर रहे हैं, बाकी क्या है हम नहीं जानते। तो 1 प्लस 1, जैसे ही ये वॉल हटाएंगे कंटेनर में मास कितना हो जाएगा, 2 ग्राम। या सुनो, तो इसका मतलब मास कौन सी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव। ये वॉल हटाया, मोल कितने हो गए, 2 मोल, 2 मोल, इंटेंसिव एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव। टेम्परेचर 300 इंटेंसिव, वॉल्यूम 2 लीटर एक्सटेंसिव, प्रेशर 1 एटीएम। तो हमारे लिए कौन सी प्रॉपर्टी इंटेंसिव होगी, कौन सी एक्सटेंसिव होगी, एक लिस्ट बना लेते हैं, सारी हमारे पास एक साथ आ जाएगा। और लिस्ट बनाने से पहले एक और वर्ड मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट, द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, हमारे दिमाग में हमेशा ये रहता है व्हाई वी आर रीडिंग दिस टॉपिक इंटेंसिव एक्सटेंसिव, तो ये हमेशा ध्यान रखना, इंटेंसिव प्रॉपर्टी को मैथमेटिकली एड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज डज नॉट फॉलो, डज नॉट फॉलो मैथमेटिकल समेशन, यानी एलजेब्रिकल आप बोल सकते हो, रूल। तो अगर किसी बच्चे ने या स्टूडेंट जो भी आप बोल रहे हो ने लिखा कि पी नेट इज इक्वल टू P1 प्लस P2, तो उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है, दैट इज रॉन्ग। लेकिन अगर किसी बच्चे ने लिख दिया वी नेट इज इक्वल टू किसी क्वेश्चन में V1 प्लस V2, तो वो सही है, इज दैट क्लियर। तो जब भी अगर हमारे को वॉल्यूम निकालना है, मास निकालना है, मास टोटल कैसे निकालेंगे, मास 1 प्लस मास 2, यानी वेट 1 और वेट 2 का समेशन, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर टी नेट निकाल लिया और फाइनली T1 प्लस T2 करके, तो आप गलत हैं, ये ध्यान रखना। तो मुझसे ये पूछा जा रहा है कि क्या हम कर सकते हैं प्रेशर को, जब हमें निकालना हो तो हम नेट कैसे निकालें, निकाल सकते हो कैसे, जब P नेट निकालना है तो आप क्या करें, P1 को N1 से मल्टीप्लाई करें, इंटेंसिव मल्टीप्लाई बाय, समझना, इंटेंसिव मल्टीप्लाई बाय एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव होता है, यस, इंटेंसिव मल्टीप्लाई बाय एक्सटेंसिव, मोल इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव P2N2, यानी एक्सटेंसिव में एक्सटेंसिव कैन वी एड, या वेरी गुड,
इन दोनों को ऐड कर सकते हो, क्योंकि एक एक्सटेंसिव में दूसरे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऐड करना सही है, कहीं पे भी गलत नहीं है। लेकिन इन दोनों को ऐड करने से हमें एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मिलेगी, न कि इंटेंसिव, और हमें इंटेंसिव चाहिए। तो एक्सटेंसिव डिवाइडेड बाय एक्सटेंसिव इज राइट, नॉट ए प्रॉब्लम। समझ में आ गया? लेकिन अगर कोई बच्चा ऐसे करता है, पी वन एन वन प्लस पी टू एन टू डिवाइडेड बाय एन वन प्लस एन टू की जगह पी वन प्लस पी टू, तो ये कौन सा प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव डिवाइडेड बाय इंटेंसिव, कोई मतलब नहीं है, इज नॉट मोल। तो ये गलत है। समझ में आ रहा है? तो यहां मैथ्स यूज हो रहा है। तो जब भी आपके पास नेट टेम्परेचर निकालना हो, आप उसको मोल से या मास से मल्टीप्लाई करो और फिर करने की कोशिश करो, आपसे कोई गलती नहीं होगी। तो दो पॉइंट मैंने आपको बताए, नेट टेम्परेचर आपके लिए क्या होगा, एन वन टी वन प्लस एन टू टी टू डिवाइडेड बाय टी वन प्लस टी टू, किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल किया जा सकता है, दैट इज राइट फार्मूला। मोलर मास अपने आप में गलत ही है, एन वन प्लस एन टू आएगा, इंटेंसिव डिवाइडेड बाय इंटेंसिव सही है। एवरेज मोलर मास अगर आपको निकालना है, आप एम वन एन वन प्लस एम टू एन टू डिवाइडेड बाय एन वन प्लस एन टू, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। या एम वन वी वन एम टू वी टू अपॉन वी वन प्लस वी टू करेंगे, आपका आंसर आएगा और सही भी है। किस फॉर्मेट में दिया है, क्या वैल्यूज दिए, वैसा फॉर्मूला लगाएंगे आप। आ रही है बात समझ में? तो इस तरह से आपके पास कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं, इनको पकड़ के चलिएगा, ठीक है? थर्ड पॉइंट जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा रहा हूं, टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर इज इंटेंसिव एक्सटेंसिव, इंटेंसिव। तो किसी ने कहा मोलर टेम्परेचर कैसे निकालेंगे, टेम्परेचर डिवाइडेड बाय मोल, तो क्या ऐसा करना सही रहेगा? नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इंटेंसिव है। एक्सटेंसिव डिवाइडेड बाय एक्सटेंसिव किया जाता है, इंटेंसिव डिवाइडेड बाय एक्सटेंसिव नहीं होता, गलत है। तो मोलर टेम्परेचर नाम की कोई चीज नहीं हो सकती। अब बात करते हैं वॉल्यूम, इंटेंसिव एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव। मोलर वॉल्यूम यानी वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोल, एक्सटेंसिव एक्सटेंसिव, बिल्कुल सही है, इज इंटेंसिव एंड दैट इज द राइट रिलेशनशिप। तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी भी इंटेंसिव में डायरेक्ट ना तो कोई मैथ लग ही नहीं सकती, आप उसको इंटेंसिव को एक्सटेंसिव बनाना आपके लिए जरूरत है। कैसे करोगे, इंटेंसिव मल्टीप्लाई बाय एक्सटेंसिव कर दो, लेकिन इंटेंसिव में कभी भी एक्सटेंसिव का डिवाइड नहीं होगा, ऐड नहीं होगा, सब्ट्रैक्ट नहीं होती, वो डायरेक्ट। आ रही है बात समझ में? तो पूरा केमिस्ट्री हम पढ़ सकते हैं और हमें ऐसी टर्म मिलेगी मोलर, जहां पर भी मोलर वर्ड लग जाएगा तो इसका मतलब वो उसी के साथ लगेगा जो इन इटसेल्फ ए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। मोलर वॉल्यूम सही है, मोलर प्रेशर गलत, मोलर टेम्परेचर गलत, मोलर एंथैल्पी सही है, मोलर मास राइट है। तो ये हमारे लिए मोलर डेंसिटी गलत, डेंसिटी ऑलरेडी इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इज दैट क्लियर? तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात कर रहे हैं,
साउंड। नेक्स्ट हम जो बात कर रहे हैं, हेलो, तो अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनके बारे में आपको बस मार्क करना है, इंटेंसिव एक्सटेंसिव। तो लिखिए एग्जांपल, मार्क इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव। इंटेंसिव के लिए आप आई एन यूज कर लेना, एक्सटेंसिव के लिए ई एक्स यूज कर लेना। फॉर फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, सही है, फर्स्ट मास, सेकेंड मोलर मास, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, डेंसिटी, एंथैल्पी, मोलर एंथैल्पी, हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, मोलरिटी, परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू, मोल फ्रैक्शंस, एंट्रोपी, मोलर एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, मोलर गिब्स फ्री एनर्जी, मोलर चेंज ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी, विस्कोसिटी, स्पेसिफिक हीट, तो ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं हम बात कर सकते हैं। मोल, टेम्परेचर लिख लिया, ठीक है, ये कुछ हमारे पास है प्रॉपर्टीज जो इस पूरे चैप्टर में काम आएगी हमारे पास। तो शुरू करते हैं हम एक एक करके। मास एक्सटेंसिव, मोलर मास जैसे ही एक्सटेंसिव है, मोलर मास इंटेंसिव, टेम्परेचर इंटेंसिव, सो मोलर टेम्परेचर नॉट डिफाइंड टर्म्स, प्रेशर इंटेंसिव, मोलर टेम्परेचर नॉट डिफाइंड टर्म, वॉल्यूम एक्सटेंसिव, एंथैल्पी एक्सटेंसिव, सो मोलर एंथैल्पी इज डिफाइंड इंटेंसिव, हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव, सो मोलर हीट कैपेसिटी इंटेंसिव,
रिमेंबर दैट हीट कैपेसिटी इज एक्सटेंसिव, मोलर ईटी इंटेंसिव, मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वेट डिवाइडेड बाय वेट इंटेंसिव, ऑल रेशियो टाइप क्वांटिटीज आर इंटेंसिव, मोल फ्रैक्शन इंटेंसिव, ऑल कंसंट्रेशंस आर इंटेंसिव, एंट्रोपी एक्सटेंसिव, मोलर एंट्रोपी इंटेंसिव, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज एक्सटेंसिव, इंटेंसिव इंटेंसिव, स्पेसिफिक हीट इज डिफाइंड, इट इज द रिक्वायर्ड हीट टू राइज 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस, मीन्स डिवाइडेड टाइप प्रॉपर्टीज, डिवाइडेड टाइप प्रॉपर्टीज मीन्स रेशियो टाइप प्रॉपर्टीज ऑलवेज आर एग्जाम्पल ऑफ इंटेंसिव, बाय डिफॉल्ट डिफाइंड ऑन 1 ग्राम, अदरवाइज मोलर हीट कैपेसिटी ऑल्सो इंटेंसिव डिफाइंड ऑन मोल, मोल एक्सटेंसिव. Are you getting this point? Now write down all these value first. Different classifications means one more type of classifications based on path and called state function and path functions. Any thermodynamics. Properties or properties or function further classified in two types, state function and path functions. Remember that first thing, remember that this classification is defined for properties. This classification is defined for properties, not for difference of properties. For example, all those properties which change of property depends only on initial and final positions, not depend path of process called state functions, called state function. In simple words, suppose koi property P aapke liye thermodynamics state function hai, samajhna baat ko, koi bhi properties. तो मेरे लिए यहां पर मैं बात कर रहा हूं इसी के लिए, और ये कोई भी कर्व है पीवी कर्व के बीच है, और मेरी कोई प्रॉपर्टी है प्रेशर ही ले लिया मैंने, यहां पी वन यहां पी टू, एक जगह पी वन है और एक जगह पी टू है, इज दैट क्लियर? सो पी वन पी टू what the that is the A position, that is the B positions. Now what I want to say first, what is the difference of properties delta P for AB process, PB P2 minus P1, only P2 minus P1, yes, am I right? Suppose I change my path and I go in this way, this, then what is the delta P dash? Again P2 minus P1, yes or no? That is the first path, that another second path, okay. So what I want to say, the value of delta P and delta P dash are same, yes or no? So again I repeat, so P is a state function, delta P is not a state,
Actually, delta P is not classified in this way. Again repeat, P classified means हम यहाँ जो classification कर रहे हैं वो P के लिए कर रहे हैं, delta P के लिए नहीं कर रहे हैं, difference of property के लिए नहीं कर रहे हैं, property के लिए कर रहे हैं. तो अगर कोई property state function है तो उसका difference same होगा. तो इसका मतलब difference same हो रहा है, इसका मतलब नहीं है difference state function है, नहीं, property state function है. समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर डेल्टा पी स्टेट फंक्शन है या पी स्टेट फंक्शन है? पी. डेल्टा पी क्या है फिर? नॉट डिफाइन यार, उसको थोड़ी ना क्लासिफिकेशन में ले रहे हम. समझ में आ रहा है? तो पी डेल्टा पी एंड डेल्टा पी डैश आर सेम थिंग या सेम आर सेम वैल्यू रिप्रेजेंट दैट पी इज स्टेट फंक्शंस. डेल्टा पी नॉट डिफाइंड. दूसरी तरफ पाथ फंक्शन ऑल दोज प्रॉपर्टीज चेंज ऑफ प्रॉपर्टीज फॉर विच, यहां एक लाइन रहेगी, ऑल दोज प्रॉपर्टी फॉर for them change of properties depends only on initial, yahan tha, all those property for them change of properties depends on path of process called path functions. For example, displacement is a state function, whereas distance is path function. Are you getting this point? Displacement state function, distance is path function. So, in this case, PV curve. Suppose I am going A to B position by path first, and another path is this. So the value of work for different path is different. So now again W1 and W2, that is the second path, are not equal. So work is path functions. Work is path functions. तो हमारे लिए एक बहुत अच्छा पॉइंट है SL पॉइंट. SL पॉइंट का मतलब सुनील लखोटिया पॉइंट. तो वो क्या कहता है? Except heat and work, all other properties are state function. Except heat and work, all other properties are a state function. That is important point. Sahi hai? तो अब आप मेरे को बताएं, मार्क करें, मार्क स्टेट फंक्शंस. एग्जांपल, मार्क स्टेट फंक्शन SF एंड पाथ फंक्शंस PF फॉर फॉलोइंग properties.
फर्स्ट एच, एच फॉर एंथैल्पी, ई फॉर इंटरनल एनर्जी। हम पढ़ेंगे आगे इनको कि क्या है, अभी तो बस सिर्फ समझ लो कि है कुछ। थर्ड एंट्रोपी, फोर्थ गिब्स फ्री एनर्जी, फाइव टेम्परेचर, सिक्स प्रेशर, सेवन वॉल्यूम, एट डेल्टा एच, नाइन वर्क, टेन हीट। नाउ स्टार्ट वर्क पाथ, पाथ यस और नो, स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन, टेम्परेचर स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन, नॉट डिफाइन। डिफाइन हम प्रॉपर्टी को करेंगे ना कि डिफरेंस ऑफ प्रॉपर्टी को, समझ में आ रहा है? तो जरूरी नहीं है कि हर चीज को आपको कुछ ना कुछ लिखना जरूरी है। तो ये बहुत छोटा सा पॉइंट है जो आपको दिमाग में अंदर तक बिठा के चलना है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? एवरीथिंग इज क्लियर? नाउ नेक्स्ट, देखिए हमने क्लासिफिकेशन कर लिया, बेसिक इंट्रोडक्शन कर लिया, प्रॉपर्टीज पूरे पढ़ लिया, अब इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन जो हमारे इस चैप्टर में काम आने वाली है, इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस, इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस। देखिए दैट इज द पार्ट ऑफ यूनिवर्स, दिस इज द पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज चूज फॉर एक्सपेरिमेंट। तो विच इज द चूजन फॉर एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड स्पेस। इसको हम क्या कहेंगे? सिस्टम। तो ये हमारे लिए हो गया सिस्टम, द पार्ट of universe we choose for experiment is called system, and the another part of universe, it means except system, is called surrounding. So that is surrounding. Write down, that is surrounding. Surrounding. And that is called boundary. Boundary is a very, very, very thin real or imaginary wall which separate to system from surrounding. Is that clear? Maybe real or imaginary. Means for example, suppose I have a open jar, bar, कोई भी anything, cup of tea. तो वो जो cup है, upper level of liquid, उसके बाद surrounding चालू, और तो बाकी boundary दिख ही रहा है. तो जो glass है, वो तो है real boundary, और जो upper level है, उसके ऊपर वो क्या हो गया? High point. वो हो गया आपका हाइपोथेटिकल बाउंड्री। तो ये रियल भी हो सकती है, हाइपोथेटिकल यानी इमेजिनरी भी हो सकती है, कोई ऐसा इशू नहीं है। क्लोज के अंदर तो बहुत इजीली दिख जाता है रियल बाउंड्री है, ओपन के अंदर थोड़ा मुश्किल होता है। फिर भी हम सिस्टम का फर्दर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, तो लिखिए क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम।
क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम, फर्स्ट कैसे हम क्लासिफाइड करेंगे सिस्टम को, ओपन क्लोज आइसोलेटेड, ओपन सिस्टम दैट इज द कप ऑफ टी, यू कैन इमेजिन इजिली दैट हीट एंड मास बोथ कैन ट्रांसफर फ्रॉम कप टू सराउंडिंग, सराउंडिंग टू कप इज कॉल्ड ओपन सिस्टम. मीन्स डेफिनेशन इज वेरी इजी. द सिस्टम इन विच हीट एंड मास बोथ कैन ट्रांसफर कॉल्ड ओपन. सेकेंड क्लोज सिस्टम दैट इज द क्लोज बट बाउंड्री इज फॉर्म बाय मेटल, नॉर्मल मेटल. मीन्स हीट कैन ट्रांसफर, हीट कैन ट्रांसफर बट मास नॉट, देन सिस्टम इज कॉल्ड क्लोज सिस्टम. इन द क्लोज सिस्टम सिंपल है, मीन्स बाउंड्री इज मेटल वॉल, मेटल वॉल ऑब्वियसली मेटल इज हियर. सपोज दिस मेटल वॉल रिप्लेस्ड बाय एनी इंसुलेटिंग मटेरियल लाइक कॉटन, वैक्यूम एक्सेट्रा, देन इट्स कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम. तो थर्ड पॉइंट हो जाएगा आइसोलेटेड सिस्टम. सिंपल है, सपोज दैट वॉल रिप्लेस बाय एनी इंसुलेटिंग मटेरियल वॉल, जनरली इंसुलेटिंग आई यूज कॉटन और वुड लाइक दिस इंसुलेटिंग मटेरियल. देन हीट एंड मास, हीट एंड मास बोथ कैन नॉट ट्रांसफर देन कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम. In any system, substance may be liquid, solid or gas, not a problem, or mixture. हमारे पास thermos है, thermos is the example of what? Isolated. उसके अंदर क्या vapor भी होता है, liquid भी हो सकता है, और सकता है ice piece है, you know, means solid भी है. तो उससे कोई मतलब नहीं है, but important है कि क्या heat अंदर जा रहा है या बाहर जा रहा है, वो important है. Ice बिल्कुल आइस अपनी हीट हो सकता है ट्रांसफर कर रही हो वाटर को, वाटर आइस को कर रहा हो. इंटरनल सब्सटेंस कैन बी ट्रांसफर हीट बट सराउंडिंग से कोई मतलब नहीं है. समझ में आया? थर्मस है, मैंने उसके अंदर रख रखा है टेम्परेचर वाटर का समथिंग 4 डिग्री सेंटीग्रेड और उसमें बर्फ भी डाल रखा है. तो आइस टू वाटर, वाटर टू आइस हीट कैन ट्रांसफर, लेकिन सराउंडिंग का कोई लेना देना नहीं है. तो इंटर ट्रांजिशन, इंटर हीट ट्रांसफर इज पॉसिबल.
इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बाद आ रहा है प्रोसेस। प्रोसेस की क्या डेफिनेशंस है? प्रोसेस चेंज ऑफ एनी थर्मोडायनामिकल प्रॉपर्टीज लाइक प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर इज कॉल्ड प्रोसेस। चेंज ऑफ एनी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल पी वन वी वन टी वन, कोई भी चेंज हुआ पी टू वी टू टी टू प्रोसेस है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोसेस, क्लासिफिकेशंस, फर्स्ट आईसो बारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस मीन्स व्हाट? प्रेशर थ्रू आउट कॉन्स्टेंट, यानी हम सिंपल वर्ड्स में बात करेंगे द प्रोसेस इन विच प्रेशर कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोबारिक। प्रेशर कॉन्स्टेंट थ्रू आउट प्रोसेस कॉल्ड आइसोबारिक। मेरे पास दो एग्जाम्पल है, आपको मार्क करना है कौन सा आइसोबारिक है कौन सा नहीं है। पी वी दोनों का प्रेशर सेम है ए से बी पर, दूसरा है ए और बी, इसमें भी डेल्टा पी जीरो है और इसमें भी डेल्टा पी जीरो है और डेल्टा पी जीरो पीवी कर्व में, विच इज ऑब्लिक आर आइसोबारिक ए बी में, ए एंड बी में बी इज आइसोबारिक, ए इज नॉट आइसोबारिक, लिख लो ए इज नॉट आइसोबारिक बी इज आइसोबारिक। तो अगर आपको दो डेफिनेशन रहा है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आइसोबारिक? फर्स्ट डेफिनेशन डेल्टा पी जीरो और दूसरा प्रेशर रिमेन्स सेम या रिमेन्स कॉन्स्टेंट, कौन सी डेफिनेशन सही है? ए और बी या दोनों, मतलब ए और बी और बोथ, कौन से? हाँ, विच इज करेक्ट डेफिनेशन फॉर आइसोबारिक? डेफिनेशन फर्स्ट, डेल्टा पी इज जीरो फॉर आइसोबारिक। सेकेंड, पी रिमेन्स कॉन्स्टेंट थ्रू आउट प्रोसेस, सी बोथ, डी नन। आपको ऐसा लग रहा है डेल्टा पी यहां जीरो है, क्या हमेशा रहेगा? फिर तो बी आंसर जाएगा ना, बी जाएगा मतलब